लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये तीन टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे. और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दो टर्म्स बताए थे, एक है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एक है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पास में नंबर अवेलेबल है डेसिमल फॉर्मेट के अंदर, हम उसका बाइनरी कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे 25 का बाइनरी मैंने निकाला और उसे 8 बिट फॉर्मेट के अंदर मैंने मेंशन करके लिख दिया है. अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास में जो भी बाइनरी अवेलेबल होता है उस बाइनरी का सबसे पहला डिजिट जो होता है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर इसे हम कॉमन टर्म्स में साइन बिट भी कहते हैं. अब यहाँ पे साइन बिट का बेसिकली मतलब क्या है, आप यहाँ पे इस साइन बिट को देखकर पता लगा सकते हो कि ये जो हमारा नंबर है वो किस टाइप का है, पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है. अगर हमारी साइन बिट जीरो होती है तो फिर वो पॉजिटिव नंबर कहलाता है, और अगर हमारी साइन बिट वन होती है तो फिर वो नेगेटिव नंबर कहलाता है. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कुछ भी हो सकती है, जीरो भी वन भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है वो डिपेंडेंट होता है हमारी इस साइन बिट के ऊपर. तो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इट डिसाइड्स कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो कभी भी अगर आपके पास में कुछ ऐसा बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ आए और स्टार्टिंग डिजिट आपकी जीरो है तो समझ जाइएगा कि पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, और अगर वन लिखा हो तो समझ जाइएगा कि नेगेटिव नंबर की बात हो रही है. इतना डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था. अभी भी किसी को इस वाले पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ रिपीट करना है या फिर आगे प्रोसीड कर ले? All right, let's move with the next part. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. आपने डेसिमल टू बाइनरी के तो काफी सारे एग्जांपल्स किए हैं, क्या आप लोगों ने नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकालना सीख लिया है? All right, so the next जो हमारे पास में कंसेप्ट आ रहा है दैट इज बाइनरी ऑफ नेगेटिव नंबर. अब यहाँ पे मैंने दो नंबर कंसिडर किए हैं, एक है 25 और एक है -25. 25 का बाइनरी कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने सीख लिया है. जब हम जो भी नंबर होता है उसे हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं, कब तक, जब तक हमारे पास में एंड में 0 या फिर 1 नहीं बन जाता. वही कंसेप्ट है यहाँ पे. लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है. सब लोग ध्यान से सुनना कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है. नंबर सिस्टम में भी आप लोग सीखोगे तो आपका और जो प्रॉब्लम होगा वो वहां पे क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए देखिए, यहाँ पे जो भी हमारे पास में नेगेटिव नंबर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है -25, तो -25 का बाइनरी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या है, उससे भी पहले हमें एक और काम करना होता है, और वो काम ये है कि जो भी नंबर हमें एज अ नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है, पहले हमें उस नंबर का पॉजिटिव फॉर्म में जो बाइनरी होता है वो निकालना होता है. मतलब क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे जो नंबर है -25, तो डायरेक्टली तो इसका बाइनरी हम लोग नहीं निकालते हैं 2 से डिवाइड करके. यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम +25 का बाइनरी कैलकुलेट करते हैं. तो ये है मेरा +25 का बाइनरी इन 8 बिट फॉर्मेट. यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब आते हैं हमारे दो स्टेप्स नेगेटिव नंबर से रिलेटेड. सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल टर्म्स में समझते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आपको निगेशन एक ऑपरेटर बताया था. वो क्या करता था, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, यानी कि स्टेट को चेंज करने का काम करता था. सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आप लोगों को लॉजिकल नॉट बताया था. वो क्या करता था, हमारी ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता था और फॉल्स को ट्रू बना देता था. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है, जो भी हमारे पास में करंट बिट है उसको चेंज कर दो. तो अगर बिट हमारे पास में 1 होगी तो वो 0 बन जाएगा, और अगर बिट हमारे पास में 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा. तो ये बिट का जो स्टेट चेंज करने का प्रोसेस होता है ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे मेरे पास में +25 का बाइनरी है, बिट बाय बिट अगर इसे हम ट्रैवर्स करते हैं तो यहाँ पे 1 है,
वन का रिवर्स अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो का रिवर्स करेंगे तो वन, फिर से जीरो का रिवर्स किया तो फिर से वन. अब वन का रिवर्स करेंगे तो जीरो, फिर से वन का रिवर्स किया तो जीरो. अब यहाँ पे जीरो का रिवर्स वन, इधर भी जीरो का रिवर्स वन और इधर भी जीरो का रिवर्स वन. तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में ये बाइनरी फॉर्म में कैलकुलेट होके आया है, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसे अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो ये कहलाता है वन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसकी बिट्स को चेंज करके. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. आगे क्या हो रहा है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी. अभी तक की कहानी सबको समझ में आई? कुछ कंफ्यूजन पहले स्टेप के अंदर कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ओके, तो पहला स्टेप था हमारा कॉम्प्लीमेंट करने का. तो अभी तक की कहानी हमारी यहाँ की पूरी हो गई. अब आ रहा है हमारा सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया होता है उस कॉम्प्लीमेंट में हमें प्लस वन करना है. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सब लोगों को आता है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई. बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास में जो पढ़ते, एक नंबर हमें दिया गया है 11 और एक नंबर हमें दिया गया है 9. तो यहाँ पे अभी नहीं, हम मान लीजिए कि आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हो और आपको प्लस माइनस करना है, तो हम क्या करते थे, फिंगर टिप्स पे 9 काउंट करते थे फिर उसमें प्लस 1 करते थे. तो 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10. तो 10 का 0 इधर और 1 ऊपर कैरी, फिर 1 प्लस 1 करते थे तो 2 हमारा आंसर आता था. इसी तरीके से कंसेप्ट आई थिंक सबने बचपन में फॉलो किया होगा, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है. यहाँ पे जो भी हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं उस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 किया जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 0 करती हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1. अब बाकी की डिजिट्स तो मेरी एज इट इज ही रह जाएंगी, जो थी बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि आगे कुछ कैरी हुआ ही नहीं. 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा ना, तो आगे कुछ कैरी हुआ ही नहीं, तो सारी जो मेरी बाकी की बिट्स हैं वो एज इट इज ही रह जाएंगी. अब प्लस 1 करने के बाद जो हमारे पास में ये बाइनरी फॉर्म में आंसर कैलकुलेट होके आया है, ये कहलाता है मैथमेटिक्स के टर्म्स में टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. और ये जो अभी हमने बाइनरी फॉर्म कैलकुलेट किया है ये है -25 का बाइनरी. तो अगर हम कंप्यूटर में किसी भी तरीके की नेगेटिव वैल्यू पे काम करवाते हैं, चाहे वो कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो होगा क्या, वो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगी और फिर हमारे कंप्यूटर में जाके स्टोर होगा. तो अगर +25 है तो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, और अगर -25 है तो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है. अब माइनस है ये कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जो साइन बिट है वो 1 है. अगर साइन बिट 0 होता है देन इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और साइन बिट अगर 1 होता है देन इट इज अ नेगेटिव नंबर. तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर के बाइनरी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. आगे एक और एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, लेकिन इस एग्जांपल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज रेज हैंड. ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है वो हमें कह रहा है कि -9 का बाइनरी कैलकुलेट करना. हमें नहीं पता -9 का बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि +9 का बाइनरी कैसे कैलकुलेट होता है. +9 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे तब तक जब तक एंड में हमारे पास में 0 या 1 नहीं आ जाता. तो यहाँ पे 9 का जो हमारे पास में बाइनरी होता है दैट इज 1001. अब 8 बिट फॉर्म के अंदर लिखना है तो आगे मैंने यहाँ पे 4 जीरो लगा दी. ये है हमारा +9 का बाइनरी इन 8 बिट फॉर्मेट. अब वही सेम दो स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं. पहला हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि वन्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म पता लगाना है. उसके बाद हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बनाना है. तो वन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं, जो भी करंट बिट है उसके स्टेट को रिवर्स कर दो, 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो. तो जहां जहां पे 1 था मेरे पास में वहां वहां पे मैंने 0 लिख दिया है, और जहां जहां पे मेरे पास में 0 था वहां वहां पे मैंने 1 लिख दिया है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो -9 का या +9 का जैसे हमने काम में लिया है बाइनरी, वन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब वन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के बाद हमें क्या करना होता है, इस नंबर के अंदर +1 करना होता है. तो
तो फिर से वही चीज हमारे पास में आ रही है, अगर वन और जीरो को मैं ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास में वन ही आएगा। अब आगे कुछ कैरी हुआ ही नहीं, तो बाकी की जो सारी बिट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। तो अब जो ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मुझे आंसर के तौर पे मिला है, ये है हमारे पास में -9 का बाइनरी। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए सबको? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इसके अंदर? एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास में सबसे पहला पार्ट था वो ये था कि नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं, लेकिन इसी का अगर मैं उल्टा नंबर आपको मेंशन कर दूं, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको एक बाइनरी नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है और आपको पता लगाना है कि उसका डेसिमल में क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बाइनरी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब बोला गया है फाइंड द डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में बाइनरी होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है और हमारा डेसिमल के अंदर कन्वर्जन होके वैल्यू आ जाती है। वो होता है तब जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है। कैसे पता पड़ा नेगेटिव नंबर है? क्योंकि इसकी जो साइन बिट है वो हमारे पास में वन है, तो वन का मतलब होता है कि ये एक तरीके का नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप्स फॉलो किए थे, बिल्कुल यही दो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी नंबर प्रोवाइड करवाया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वन को जीरो बना दो और जीरो को वन बना दो। तो यहाँ पे हमारे पास पे सबसे पहले चार वन है, तो मैंने यहाँ पे चार जीरो लिख दिए, फिर एक जीरो है तो एक वन आ गया, फिर तीन वन है तो तीन जीरो हो गए। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट इस बाइनरी का जो हमें प्रोवाइड करवा दिया गया है। यही पहला स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे भी फॉलो किया था। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लस वन ही करेंगे। तो अब अगर मैंने यहाँ पे प्लस वन किया है तो वन प्लस जीरो बिकम्स वन, फिर ये जीरो जीरो वन एंड फोर जीरो। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास में आंसर निकल के आया है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय फोर, मल्टीप्लाई बाय एट। तो यहाँ पे एट और वन को अगर मैं प्लस करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास में बाइनरी, यानी कि ये नंबर किसका है बाइनरी है, ये नाइन का बाइनरी है। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे तो साइन बिट वन है तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए, आपने कैसे यहाँ पे नाइन मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास में हमने बाइनरी कैलकुलेट किया होता है कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद में, सिंपली उस बाइनरी को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन मेंशन कर देते हैं। क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि साइन बिट यहाँ पे वन है। तो ये जो बाइनरी नंबर हमें प्रोवाइड करवाया गया है ये -9 का बाइनरी है। सेम दो स्टेप्स हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर प्लस वन निकालना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी नंबर आया है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, वो है हमारा डेसिमल वैल्यू। तो इस तरीके से एक नेगेटिव नंबर के बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास में करंट बिट का स्टेट है उसको चेंज कर देना। अगर जीरो है तो वन बना देना और अगर वन है तो जीरो बना देना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तारीफ करने वाला, नहीं नहीं वो नहीं है। यहाँ पे अगर हम बिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो करंटली वैल्यू है उसको चेंज कर दो, उसको रिवर्स कर दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। गाइस सबको क्लियर है ये वाला कंसेप्ट, दोनों टर्मिनोलॉजी जो मैंने आप लोग को बताई है, बाइनरी नेगेटिव नंबर का और डेसिमल भी? तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उस एक एग्जाम्पल से पहले आप लोगों के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे जब मैंने -9 का मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे तो हमने किया क्या था, सबसे पहले
यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका एक्चुअली में मतलब क्या है. देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहले कंसेप्ट था दैट वाज हमें बाइनरी कैलकुलेट करना था. तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे प्लस 9 का जो हमारे पास में बाइनरी है हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला. अब प्लस 9 का जब 2's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है तो वो माइनस 9 बन गया है. सिमिलरली यहाँ पे जब हमारे पास में बाइनरी फॉर्म के अंदर माइनस 9 का बाइनरी गिवन था तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस माइनस 9 पे 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया. तो माइनस 9 पे जब 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आया, प्लस 9. तो हम चाहे किसी भी नंबर पे 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करें, नंबर हमारे पास में वही आता है, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है. तो अगर माइनस 9 की हम बात कर रहे हैं तो प्लस 9 आंसर आएगा, प्लस 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस 9 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के 2's कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो यही चारों स्टेटमेंट्स मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं. माइनस 9 इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 9, प्लस 9 इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस 9. सेम गोज फॉर द नेक्स्ट फोर स्टेटमेंट्स. अगर हमने यहाँ पे 25 को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट की होती तो माइनस 25 इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 25 एंड प्लस 25 इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस 25. तो यहाँ पे जब भी 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट होगा नंबर हमारे पास में वही आएगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. तो ये सारी चीजें थी नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना, और नेगेटिव नंबर का बाइनरी गिवन है तो उसको डेसिमल में कैलकुलेट करना. अब ये सारी चीजें कहाँ काम आ रही हैं, ये सारी चीजें हमारी काम आ रही हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट और बिट वाइज नॉट ऑपरेटर के अंदर. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था. कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में थोड़ी बहुत चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं इन द केस ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर. लेफ्ट शिफ्ट के केस में हमारा कंसेप्ट वही रहता है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, पर फिर भी उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि और आपको क्लियर हो जाए दैट हाउ थिंग्स वर्क. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है दैट इज माइनस 32 लेफ्ट शिफ्ट और 2. अब यहाँ पे माइनस 32 है तो माइनस 32 डायरेक्टली तो कभी जाके स्टोर होगा नहीं, क्या होगा, बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होगा. लेकिन नेगेटिव नंबर के जो बाइनरी होते हैं वो हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाके स्टोर होते हैं. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस 32 का बाइनरी निकालना पड़ेगा. ये प्लस 32 का बाइनरी हमने निकाल लिया. उसके बाद क्या करेंगे, दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. पहला होता है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है प्लस 1. तो पहला स्टेप कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया. जीरो जो है उसको मैंने 1 बना दिया और जो 1 है उसको 0 बना दिया. तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला बाइनरी फॉर्मेट. अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस 1 करना. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में बिट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है. पहले जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर किए थे वहां पे 0 और 1 होता था प्लस करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास में क्या आंसर है, यहाँ पे हमारे पास में 1 और 1 को प्लस करना है. तो 1 और 1 को प्लस करने पे आंसर हमारा 2 आता है. लेकिन जो बिट्स होते हैं या तो वो 0 होते हैं या 1 होते हैं, कभी भी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकते. तो कभी भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके पास में आए तो आपको करना क्या है, 1 प्लस 1 यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 0 मेंशन कर देना है और हमारा जो ये 1 है वो आगे कैरी हो जाएगा. 1 प्लस 1 0 और हमारा 1 जो है वो आगे कैरी हो गया. अब यहाँ पे भी 1 प्लस 1 है तो फिर से 0, फिर से हमारा 1 ऊपर कैरी हो गया, फिर से 1 प्लस 1 यानी कि फिर से 0 और 1 आगे कैरी हो गया. 1 प्लस 1 यानी कि फिर से 0 और फिर से हमारा 1 जो है वो आगे कैरी हो गया. फिर से 1 प्लस 1 फिर से 0 यहाँ पे आ गया और 1 आगे कैरी हो गया. अब 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और बाकी की दोनों डिजिट जो है क्योंकि अब कुछ भी कैरी नहीं रहा तो ये दोनों डिजिट्स सॉरी जो दोनों बिट्स हैं वो एज इट इज ही आ जाएंगे. तो अगर आपके पास पे कभी भी 1 और 1 जैसा कुछ कंसेप्ट होता है तो 1 प्लस 1 2 नहीं होगा. बिट्स या तो 0 होती हैं या 1 होती हैं. तो यहाँ पे इनके एडिशन के करने के केस में हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देते हैं और जो 1 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस 32 का हम लोगों ने बाइनरी कैलकुलेट कर लिया है.
या फिर हम मैं ये कहूँ कि 32 का 2 कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। तो अब ये जो -32 है इस फॉर्मेट में जाके हमारे कंप्यूटर में सेव होगा। अब हमें कहा क्या गया है, इस -32 पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और 2 बिट्स की शिफ्टिंग करनी है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, लेफ्ट साइड से 2 बिट्स शिफ्ट करते जाओ आगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 2 बिट्स हैं वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। क्यों डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि जो पीछे वाली बिट्स हैं वो इसकी पोजीशन ले लेंगी, फिर ये पीछे वाली जो बिट्स हैं वो इसकी पोजीशन ले लेगी, फिर ये जो पीछे वाली बिट्स हैं वो इसकी पोजीशन ले लेंगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास में 2 ब्लॉक खाली रह गए। तो 2 ब्लॉक खाली तो रहते नहीं, हम क्या करते हैं उनकी जगह 0 प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों बिट्स को डिस्कार्ड करने के बाद, हमारी 2 बिट्स की शिफ्टिंग करने के बाद जो हमारे पास में आंसर आएगा वो होगा ये बाइनरी फॉर्मेट में हमारे पास में शिफ्टिंग का आंसर आया है। लेकिन कभी भी जो है वो बाइनरी के अंदर तो आंसर आता नहीं है, तो यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है 2's कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारे पास में साइन बिट है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। अब देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही थी जो हमने यहाँ पे 2 बिट्स की शिफ्टिंग करने के बाद बाइनरी फॉर्म किया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास में 8 बिट फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो हमें इनिशियली नंबर प्रोवाइड करवाया गया है दैट इज -32। -32 के केस में होता क्या है, जो भी हमारी साइन बिट होती है हम उसको काउंट नहीं करते, उसको अकेला छोड़ देते हैं, और बची हुई जितनी भी बिट्स हमारे पास में होती है अब उन पे 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट से करने से पहले क्या करना पड़ेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी बिट्स हैं उनको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो सब जगह यहाँ पे 0 था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सब जगह 1 मेंशन कर दिया। अब जो मेरे पास में 1's कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें +1 अगर हम करते हैं तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है। अब यहाँ पे फिर से 1+1 आ गया, तो 1+1 0, 1 आगे कैरी हो गया, फिर से 1+1 0, आगे 1 कैरी हो गया, फिर से 1+1 आगे हमारा यहाँ पे 0 आ गया, आगे 1 कैरी हो गया। अब ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा कब तक, जब तक हम बिल्कुल एंड वाले बिट तक नहीं पहुंच जाते। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ बिट बाकी ही नहीं रही है, तो होगा क्या, ये 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इस नंबर का यहाँ पे डेसिमल कैलकुलेट करती हूँ, तो डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 8, देन 16, देन 32, देन 64 एंड देन 128। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास में बाइनरी कैलकुलेट होके आया है ये है 128 का बाइनरी। लेकिन हमारे पास में ओरिजिनल नंबर क्या है, नेगेटिव के अंदर है, तो हम क्या करेंगे इस 128 के आगे नेगेटिव का सिंबल मेंशन कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हुआ क्या है, इस -32 पे हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। लेफ्ट शिफ्ट का कंप्लीट प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा। और अगर सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू को डबल कर देना। तो 32 को अगर डबल करते हैं तो वो 64 बन जाता है, 64 को अगर फिर से डबल करेंगे तो वो बन जाएगा 128। तो यहाँ पे 128 ही हमारे पास में आंसर आया है। अब यहाँ पे बस हमें करना क्या है, उसके आगे माइनस का एक सिंबल मेंशन कर देना है। तो नेगेटिव नंबर के जो यहाँ पे बाइनरी होते हैं कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके, और आपको इस तरीके से लेफ्ट शिफ्टिंग करनी होती है। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन